ओके हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सॉरी मुझे लेसन बनाने में थोड़ा टाइम लगा, बिकॉज आई वॉज इंगेज। तो आज आइए शुरू करते हैं। आज का लेसन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पिछले सारे लेसन, हर बार के लेसन से कंपेरिजन्स में ये लेसन थोड़ा सा टफ है। मैं लेसन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। डिस्कशंस ये है कि मैं सॉन्ग्स नहीं दे रहा हूँ अभी तक आपको। आई थिंक ये लेसन 15 या 16 बजना है। तो आप ये समझिए कि मैं, मेरा जो ट्रेनिंग है आपको यूकुलेले लेके, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप कान से ट्रेनिंग करो, अपने ईयर ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान दो, ना कि यूट्यूब्स पे। आप अपने बेसिक्स कॉर्ड स्ट्रक्चर को तैयार करो, कॉर्ड प्रोग्रेशंस को तैयार करो, और जो जो भी अल्टरनेट वॉइसिंग्स हैं कॉर्ड्स के वो आप सीखो। बाकी आप कॉर्ड सीख लोगे तो आप जाके यूट्यूब से भी गाना सीख सकते हो कॉर्ड्स निकाल के। तो वो मैटर नहीं करता, इसलिए मैं अभी आपको गाना नहीं प्ले करना है, मना कर रहा हूँ अभी गाना प्ले करने से, क्योंकि आप पहले बेसिक ट्रेनिंग लो। आप देखो सी के ऑपरेशन में मुझे 14-15 लेसन्स बनाने पड़ गए। तो आप सोचो कितना वास्ट ये म्यूज़िक का फील्ड है, ये म्यूज़िक का नॉलेज होता है। तो अभी आपको पेशेंस रखना है थोड़ा सा। तो आज आइए, आज का जो लेसन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको मैं जो भी आपको लेसन यूकुलेले का बता रहा हूँ या मैं अपने से बना के आपको जो सिखा रहा हूँ, ये आपको समझना है कि आपका ये साउंड डिज़ाइनिंग है। कि जब आप, ये एक पार्ट ऑफ कंपोजिशंस है। आप जब आप कंपोज करना सीखोगे एज ए कंपोजर, जब आप म्यूज़िक कंपोज करोगे, आप म्यूज़िक को बिल्ड करोगे, मेलोडीज प्ले करोगे, बनाओगे, बजाना और बनाने में काफ़ी डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये आप समझना, तो ये काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है। आप बजाना क्या होता है जो आप सुन के बजाए, और बनाना क्या होता है जो आपका खुद का सेल्फ क्रिएशंस हो, योर सेल्फ क्रिएशंस, सेल्फ प्रोडक्शन। तो जनरली मैं आपको उसी लेवल पे या उसी पैटर्न पे सिखा रहा हूँ, ताकि आप जब भी स्टूडियोज़ जाओ रिकॉर्डिंग्स करो। मैं स्टूडियोज़ में काफ़ी प्ले करता हूँ, लाइव से भी ज़्यादा मैं स्टूडियोज़ में एक्टिव रहता हूँ। तो स्टूडियोज़ में जब आप ओरिजिनल कंपोजिशंस पे बजाओगे या आपको चांस मिलेगा आप यूकुलेले प्ले करो, तो आप कितना जानते हो उस बारे में और आप उस गाने को कितने खूबसूरत बना सकते हो अपने कॉर्ड से या अपने लीड से, वो इम्पोर्टेंट लगता है। सी मेजर, आप देखो जैसे मैंने आपको सी मेजर बताया, तो कितना सारा मैंने आपको बताया, सी मेजर सेवंथ, सी सिक्स, सी सस फोर। तो आज भी लेसन मेरा सी से ही रिलेटेड है, लेकिन ये थोड़ा एडवांस लेवल है। तो आज आपको मैं कॉर्ड्स का वोकेबुलरी इजी सिखाऊंगा, ठीक है, जो कि सीज के कीज में ही होगा। तो आज का कॉर्ड प्रोग्रेशन क्या है? पहला कॉर्ड रहेगा आपका सी सस फोर, जो मैं पिछले क्लास में भी बताया हूँ। सस्पेंडेड वाला आप देखोगे तो, सस्पेंडेड के बारे में मैं आपको अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि आप पिछला लेसन सस्पेंडेड वाला देख के उठा सकते हो, देख सकते हो। तो ये सी सस फोर कैसे बजता है आप लोग जानते हो, ये सी सस फोर है, पहला कॉर्ड है। मैं आपको सारा एलिब्रेट करूँगा, ब्रोकन डाउन कर दूंगा। फिर आपको जी सस फोर बजाना है, देन अगेन सी मेजर, लेकिन ये सी मेजर नॉर्मल नहीं रहेगा, सी मेजर का अलग वॉइसिंग है। ये कॉर्ड पकड़ना आज से आप, मैं बताऊँगा आगे कैसे बजाना है। एफ मेजर सेवंथ बताऊंगा आज आपको मैं। एफ मेजर तो आप लोग जानते हो, ये एफ मेजर था। एफ मेजर सेवंथ मैं आपको दो तरीका से बताऊंगा प्ले करना, जो एक अपने आप में इनकम्प्लीट एफ मेजर सेवंथ रहेगा, लेकिन इसका भी यूज होता है। इनकम्प्लीट मतलब क्या हुआ मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले आप देख लो क्या है। और ये एफ मेजर कम्प्लीट है, मेजर सेवंथ। और ये जो होल्ड है ये मूवेबल वॉइसिंग होल्ड कहलाता है, ये पोजिशन जिसको आप मूव करके कॉर्ड्स ट्रांसपोज भी कर सकते हैं। तो जब दो फ्रेट में आगे बढ़ा तो ये हो गया जी मेजर सेवन। चलिए तो एक बार फिर से मैं आपको कॉर्ड दिखाता हूँ क्या क्या है। सी सस फोर, जी सस फोर, देन सी मेजर, देन एफ मेजर सेवन, देन अगेन एफ मेजर सेवन, दो तरीके से। देन मूव करूँगा मैं इसे, तो ये जी मेजर सेवन का वॉइसिंग हो जाएगा। तो चलिए पहला क्या है, सी सस फोर आप लोग जानते होंगे, पकड़ना कैसे आपको, और कुछ नहीं आपको सिंपल एक एक स्ट्रोक में काम करना। मैं बताऊंगा ये सब क्या है, सी मेजर पे एंड करना आपको। ये क्या सी सस फोर में क्यों इतना सस्पेंडेड है आपके ऊपर बोल रहा हूँ, इतना ध्यान दे रहा हूँ आजकल मैं। आप देखोगे
डोमिनेंट मेजर सेवन, डोमिनेंट सेवन, डोमिनेंट ऑफ फोर मैं आपको कॉर्ड सिखा रहा हूँ। ये इसलिए सिखा रहा हूँ, सपोज आपका अगर सी मेजर का गाना है आपको, तो आपके पास ये ऑप्शन है, आप कंपोजिशंस में इसे ट्राई कर सकते हो। जब आप सी मेजर आपका स्किल पर कंपोजिशन रहेगा, तो आप कुछ भी प्लकिंग सेक्शन बना लो, मारो आइडियाज होना काफी जरूरी है कि सी मेजर से आप क्या क्या खेल सकते हो। मैंने सी मेजर प्ले किया, देन सी मेजर सेवन किया, देन मैंने डी सस फोर प्ले किया था, तो ये आपको समझना जरूरी है। तो आइए लेसन स्टार्ट करते हैं। सी सस फोर कैसे पकड़ना है आपको, तो आपको सॉरी ये मेरा स्वेटिंग है हो रहा है, फैन ऑफ किया हुआ इसलिए, और 3:30 हो रहा है। तो आई सी सस फोर क्या पकड़ना है आपको, फर्स्ट फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग के 3rd फ्रेट पे पकड़ना है आपको 3rd फिंगर। अभी मैं बताऊंगा थोड़ा सा अलग अलग में, थोड़ा सा आप इस लेसन पे पेशेंस रखो और सीखो। और फर्स्ट फिंगर आपको 2nd स्ट्रिंग के 1st फ्रेट पे रखना, तो ये आपका सी सस फोर होगा। सिंपल है, सी मेजर एंड देन सी सस फोर। आप कुछ रिदम भी प्ले करना चाहते हो, सी मेजर का, इसलिए मैं सी सस फोर बता रहा हूं, इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं आपको। तो सी सस फोर हो गया, देन जी सस फोर, ये आपको पकड़ना है। ये कैसे पकड़ना है आपको, इसका मैं 2 तरीका बताऊंगा आपको। सी मेजर ही पकड़ना है आपको, अपना 2nd फिंगर 2nd स्ट्रिंग के 3rd फ्रेट पे रखना है, और फिर आपको 1st फिंगर को आपको रखना है 3rd स्ट्रिंग के 2nd फ्रेट पे, और ऊपर ओपन रहेगा ये दोनों केस में। गॉट इट? ओके, मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में, पहले आप कॉर्ड को होल्ड सीख लो। देन आपको सी मेजर पकड़ना है, जो नॉर्मल आप लोग सी मेजर पकड़ते हो, इस बार आपको बार में पकड़ना है, जो कि आपको 1st फिंगर से दोनों स्ट्रिंग, 1st स्ट्रिंग एंड 2nd स्ट्रिंग रहेगा, 3rd फ्रेट पे बार बनेगा, और आपको 2nd फिंगर को अपना 3rd स्ट्रिंग के 4th फ्रेट पे रखना है, और ऊपर वाले स्ट्रिंग को ओपन रखना है। ये भी सी मेजर का अल्टरनेट वॉइसिंग कॉर्ड है, वॉइसिंग के बारे में मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, आप देखना लेसंस। ये पहला सी मेजर और ये वॉइसिंग सी मेजर, गॉट इट? देन एफ मेजर 7, एफ मेजर आप लोग जानते हो पकड़ना, ये एफ मेजर होता है। अब एफ मेजर 7, इसको आपको 4th फिंगर से पकड़ना है यहाँ पे। ये इनकम्प्लीट है, क्यों इनकम्प्लीट है, क्योंकि एफ मेजर 7 के जो कीज बनते हैं, ये एफ मेजर 7 के कीज क्या क्या बनेंगे आप खुद बोलो। पहला ये ए है, देन ये ई नोट है, देन ये एफ नोट है, और ये ओपन स्ट्रिंग है, दैट मीन्स ये क्या प्ले होगा आपका ए, यानी दोनों ये ए है। लेकिन जब एफ मेजर 7 आता है तो इसमें सी लगना जरूरी है, तो सी नोट हम लोग कहाँ ले सकते हैं, ये 2nd ऑप्शन है पकड़ने का मेजर 7 का। आप अपने 3rd फिंगर को 1st स्ट्रिंग के 3rd फ्रेट पर रखोगे, तो ये कंप्लीट सी मेजर 7 बने, सॉरी एफ मेजर 7 बनेगा, जब सी नोट हम लोग ऐड कर लेंगे तो। ठीक है, तो आइए पहला क्या था, सी सस फोर, जी सस फोर, देन एफ मेजर 7, 1st होल्ड, देन 2nd होल्ड। 2nd होल्ड मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, 2 होल्ड इसलिए बता रहा हूँ, बताऊंगा आगे। ये जो होल्ड है इसमें सारे स्ट्रिंग इंगेज है, इसमें कोई ओपन स्ट्रिंग नहीं बज रहा है, तो ये मूवेबल वॉइसिंग कॉर्ड होगा, मीन्स आप इसको मूव कर सकते हो, यानी कि ये अगर एफ मेजर 7 है तो ये एफ शार्प मेजर 7 होगा, ये देन ये जी मेजर 7 होगा। तो आपको एफ शार्प मेजर 7 पे प्रैक्टिस नहीं करना है, अभी आपको पूरा एक होल नोट आगे बढ़ना है, यानी कि अब देखो एक्चुअली मैं जैज सीख रहा हूँ, तो ये जैज के काफी इंपॉर्टेंट कॉर्ड होता है, तो आपको मैं बताऊंगा कि ये जैज का फील कैसे देता है। सब जी मेजर 7 में आपको क्या प्रैक्टिस करना है, ये देखो जैज का साउंडिंग आ गया इस कॉर्ड से, सॉरी हाँ 4th फिंगर लगेगा,
आप बनेगा आपका। थोड़ा ये टफ होल्ड है, आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, कोई नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, होल्ड बताता हूँ मैं आपको एफ मेजर सेवन का। या चलिए ये आपको फर्स्ट फिंगर रखना है सेकेंड फिंगर पे, सेकेंड स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट पे। सॉरी आज थोड़ा मैं थका हुआ हूँ, काफ़ी टायर्ड हूँ, सुबह से काफ़ी काम किया हूँ इसलिए, तो प्लीज़ इग्नोर, आपको मेरे आवाज़ से ही लग रहा होगा। सेकेंड फिंगर को आपको रखना है लास्ट स्ट्रिंग के सेकेंड फ्रेट पे, फोर्थ फिंगर को आपको रखना है सेकेंड थर्ड स्ट्रिंग के फोर्थ फ्रेट पे। ये पहला पोजिशन हुआ एफ मेजर सेवन का। और सेकेंड होल्ड में आपको क्या करना है, ये फिंगर को आपको रखना है यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे। तो ये एफ मेजर सेवन का सेकेंड होल्ड है जो मूवेबल वॉइसिंग कॉर्ड है। तो ये आपका कॉर्ड बनेगा। तो आइए ये क्या होता है एफ मेजर सेवन। एक्चुअली सपोज आपको मान लो कि आपका स्केल एफ मेजर है, तो आप इसमें ये खेल सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन है। सपोज मान लो आपका कोई गाना मेजर सेवन लगा सकते हो आप, या फिर होल्ड वाला ए माइनर के जगह। तो ये सब आपके पास स्केल्स का ऑप्शन से बनेगा जब आप कॉर्ड सीख लोगे। तो टेक्निकली ये इनकम्प्लीट होता है एफ मेजर सेवन ये, लेकिन आप इसके कंपोजिशंस में यूज कर सकते हो प्लकिंग सेक्शन। डोमिनेंट सेवन भी लगा सकते हो इसमें, लेकिन अभी डोमिनेंट सेवन लगाना है। आपका चार पांच कॉर्ड है सी के। आपको जी से जी मेजर सेवन इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है क्योंकि एक्चुअली ये सी के कीज में नहीं आता सॉन्ग्स जब बजाओगे, लेकिन आपको मूवेबल वॉइसिंग प्रैक्टिस करना है, इसे मूव करके भी प्रैक्टिस करना है। तो आपको पूरा लेसन कैसे बजेगा, पहले आपको चार बार सी में सी सस फोर बजाना है, देन जी सस फोर। ओके जी सस फोर आपको पता है कि इन केस अगर आप जी मेजर से जी सस फोर बनाओगे, यानी कि आपका जी मेजर होली है जैसे मैं बता सकता हूँ, तो आपका ये फिंगर पोजीशन चेंज हो जाएगा। आपको फोर्थ फिंगर से जी सस फोर बनाना है, यानी कि आपका पहले मैं आपको थर्ड फिंगर से पकड़ रहा था और ये इस तरह से पकड़ रहा था। जब आप डी मेजर से जी सस फोर बनाओगे, जी मेजर से जी सस फोर बनाओगे, तो आपको स्मॉल फिंगर यूज करना और फिर यहाँ पे आपको ये फिंगर फर्स्ट फिंगर यूज करना है, तभी आपको जी सस फोर बनेगा। यानी ये जी मेजर के केस में हुआ, जब आप जी मेजर के साथ जी सस फोर बनाओगे। देन सी मेजर आपको ये नया वॉइसिंग्स जो आपको मैंने सिखा चुका। देन एफ मेजर सेवन फर्स्ट, देन एफ मेजर सेवन विद कंप्लीट आरपेजियोस फेस एफ ए सी ई, यानी कि मेजर सेवन का जो आरपेजियोस होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सेवन। देन मूवेबल वॉइसिंग आपको जी मेजर सेवन ये मूव करना है आपको, यानी कि टोटल G major 7, then again back to F major 7, then end on C major normal। तो ये आपका टोटल आज का लेसन है, मूवेबल वॉइसिंग कॉर्ड आज से मूव करना सीख गए हो आप। मूव इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें कोई भी ओपन स्ट्रिंग नहीं यूज हो रहा है, तो ये आपको प्रैक्टिस करना। और जैज में तो ये काफी यूज होता है, तो ये जैज का वॉइसिंग है ये। तो थोड़ा सा होल्ड टफ है एफ मेजर सेवन का, लेकिन आप कर सकते हैं। तो ये आपका टोटल लेसन है, टू डिफरेंट वॉइसिंग ऑफ एफ मेजर आप समझ गए हैं। और जी सस फोर जो है ये भी सी का अल्टरनेट वॉइसिंग है। सी मेजर जी सस फोर
sus4 एंड देन सी मेजर. ये स्टूडियोज का चीज मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से आप सी मेजर के गाने को स्टार्ट कर सकते हो. अगर एफ मेजर का स्केल लेगा तो सब आपको कॉर्ड्स कल्टिंग वॉइसिंग है और दोनों एफ मेजर आपको बजाना है. दोनों एफ मेजर का प्लकिंग सीखना है आपको. प्लकिंग का कोई भी पैटर्न आप अपने से भी बजा सकते हो. जब आपको याद रखना है जब आपको जी मेजर स्केल रहेगा तो जी के साथ जब जी सस फोर बजाओगे तो वह फिंगर थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ ये आएगा. तो आपको ऑल दो यही लेसन है आज का लेसन, काफी इंपॉर्टेंट है. शायद मैं आज आपको ठीक से नहीं समझा पा रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, लेकिन आप समझ लो कि आपको कॉर्ड्स प्रैक्टिस मैं आपको बता रहा हूँ, कॉर्ड वोकेबलरीज बता रहा हूँ आपको, और किस तरह से सी के आप स्किल्स में ऐड कर सकते हो कॉर्ड्स को, डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड्स को. तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और जी सस फोर है जो कि अल्टरनेट वॉइसिंग होता है सी का, ठीक है. और आपको मैंने आपको पहला चीज़ बताया कि सी सस फोर सी के क्या क्या कंक्लूजन्स है. इस लेसन को आपको मैं बता देता हूँ आफ्टर प्रैक्टिस. सी मेजर कीज में आप क्या क्या एडिशनल कैंडी यूज कर सकते हो जो कि सी सस फोर है, ठीक है. देन आपको अगर जी मेजर स्केल का गाना आ रहा है तो आप उसमें जी सस फोर भी लगा सकते हो. ये गाने के मूड के हिसाब से भी लगाना, लेकिन आप कभी इंट्रो बनाना चाहोगे जी मेजर स्केल गाने का तो ये आपके पास ऑप्शंस में आपको दे रहा हूँ. ये आप बाकी आपका क्रिएटिविटी आप किस तरह से इसे यूज करते हो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. देन एफ मेजर 7 के बारे में बताया मैंने जो कि एफ मेजर के साथ आप यूज कर सकते हो. और आपको मूवेबल वॉइसिंग बताया कि यानी कि आप किस तरह से कॉर्ड ट्रांसपोज कर सकते हो. आप थ्योरीज लेसन देखोगे तो आपको पता चलेगा जी मेजर 7 बन गया तो जो जैज में यूज होता है. तो आज के लेसन ये बजाना कि आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, चार चार बार सारे कॉर्ड्स को चेंज करना है. सीक्वेंस क्या रहेगा, सी सस्पेंडेड 4, जी सस्पेंडेड 4, सी मेजर, एफ मेजर 7 फर्स्ट पोजीशन, एफ मेजर 7 मूवेबल वॉइसिंग पोजीशन, एंड उसी को मूव करना एफ मेजर 7 सेकेंड पोजीशन को जी मेजर 7 बनाना है. फिर वापस आपको एफ मेजर 7 पे आना है और आपको एंड करना है सी मेजर नॉर्मल जो आप लोग सीखे फर्स्ट डे से. सी सस 4 जी सस 4 आप लिख लो इसे, सी सस 4 जी सस 4 सी मेजर सेकेंड वाला वॉइसिंग जो बार के साथ आपको बजाना है. Then F major 7 first position, F major 7 second optional voicing position. Then उसी voicing chord को आपको movable करना है जो कि G major 7 बनेगा. ये आपको ऑल दो लेसन से. तो प्रैक्टिस कैसे करना है, 4x4 में सिंपल 1 सस्पेंडेड 4 से 1 दो दो बार. मैंने लगा दिया फर्स्ट स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे. देन अगेन जी मेजर 7. आपको ध्यान रखना सी स्केल्स में जी मेजर 7 जनरली नहीं लगता है, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस करना है मूवेबल वॉइसिंग. देन अगेन एफ मेजर 7 एंड देन अगेन एंड ऑन सी मेजर. ये आपका टोटल है. तो आप देखो कितना अच्छा क्रिएटिविटी है.
से मैं जनरली इसी स्कॉर्ड सीक्वेंस से ये प्रोग्रेशन बनाया हूँ, बहुत सारा यूज किया। सी मेजर सस 4, जी सस 4, एफ मेजर 7, एफ मेजर 7 कंप्लीट, जी मेजर 7, एफ मेजर 7, देन अगेन सी मेजर 7। प्लकिंग में भी आपको काफी कम देने वाला प्लकिंग, ऑल द बेस्ट। See you later.